हे गाइस, वेलकम टू यूनिक एजुकेशन चैनल। आज हम इसमें जाने वाले हैं कि एंड्रॉयड मोबाइल से एथिकल हैकिंग कैसे शुरू करते हैं। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है लाइनक्स। लाइनक्स जो है विंडो, कुछ इंटरफेस आप मोबाइल में यूज़ कर पाएंगे और इसका मज़ा ले पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट नाउ। ठीक है फ्रेंड, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, इसका नाम है टर्मैक्स। टर्मैक्स आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ आपको मिल जाएगी। आपको ये ग्रह मैंने इंस्टॉल करके रख लिया, मैं इसे वर्क करके दिखा रहा हूँ। आपको 60 MB की एप्लीकेशन मिल जाएगी, आपको इसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करना है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ओपन हो रही है, ये ऐसा ब्लैक इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसे चालू करने के लिए आपको कमांड लिखनी पड़ेगी। कुछ आपको लिखना है, हमें टाइम टू टाइम इसे अपडेट करना होता है। हम इसे करते हैं APT अपडेट। इस कमांड को लिखेंगे एंटर, ये वर्क कर रही है फ्रेंड, वर्क कर रही है। इस कमांड की मदद से आप अच्छी तरीके से आप वर्क कर पाएंगे और देखेंगे कैसे हम इसे प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, बने रहिए इस एपिसोड में। फिर अब दूसरी कमांड लिखनी है आपको, एपीटी अपग्रेड से अपग्रेड करना है। अपग्रेड एंटर करना और बाई एंटर करना है। फिर परमिशन दे देना है, एंटर कर देना है। ओके फ्रेंड, देखिए वर्क कर रही है, शुरू हो जाएगी इंस्टॉल, 2% हो गया। वर्क हो रहा है, बने रहे। आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी ये हो पा रही है। फ्रेंड इंस्टॉल हो रहा है, बने रहे एपिसोड में। प्रोसेसिंग चल रही है, चलिए फ्रेंड्स। आप इस एप्लीकेशन की मदद से कुछ बेसिक कमांड भी हम इसमें यूज़ करने जानेंगे फ्रेंड, इसे कंप्लीट होने दें। हो रहा है, 45% हो गया। प्रोग्रेस ही चल रही है। हे गाइस, ये हमारी एप्लीकेशन टर्मैक्स कंप्लीट हो गई है एक यूज़ करने के लिए रेडी। अब हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें सेशन हम एक सेशन और लेते हैं। अब इसमें हम सेशन क्लिक करेंगे, सेशन इसे हम नाम दे देते हैं, हेलो सेट कर देते हैं। अगर आपको इस सेक्शन से बाहर जाना है तो आपको एग्ज़िट लिखना है, एग्ज़िट करना है। हम सेक्शन से बाहर आ गए, अब हमारे पास एक सेशन बचा है। अब इसमें हम वर्क करेंगे, कैसे हम इस पर काम करेंगे बताते हैं। आपको ये जो वर्क दिख रहा है आपको ये क्लियर करना है, तो CLEAR क्लियर कर देना, कमांड क्लियर हो गई। अब हम कुछ बेसिक कमांड इस पर यूज करके बताएंगे कि ये कैसे काम करती है फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं, PWD से हम अपनी लोकेशन पता करेंगे।
डेटा डॉक्टर मार्क्स फाइल होम में है, हमारी लोकेशन पता पड़ेगी। अब हम देखते हैं इसमें कोई फाइल, इसमें कोई फोल्डर या फाइल पड़ी हुई है। देखते हैं एलएस फिवरेंट, कोई नहीं, कोई फाइल नहीं है। अब हम इसमें एक फोल्डर क्रिएट करते हैं एमके डीआईआर मीडिया मेक डायरेक्टरी, इसका मतलब होता है एमके डीआईआर मेक डायरेक्टरी। इसमें हम फोल्डर बनाएंगे एबीसी नाम से, फोल्डर बनाते हैं एबीसी, एंटर। अब एलएस करके देखते हैं, फोल्डर क्रिएट हो गया हमारा एबीसी नाम से, एक फोल्डर बन गया है। फिर एक फोल्डर और बनाते हैं हम एमके डीआईआर स्पेस डेफ नाम का हमने एक फोल्डर बनाया। एलएस नाम से देखते हैं, फिर देखो एबीसी और डेफ नाम के दो फोल्डर बन गए। फिर हम एक फोल्डर और बनाते हैं में एमके डीआईआर हेलो, एंटर दबाते हैं। फिर एलएस फोल्डर देखते हैं कितने हो गए, एबीसी और डेफ हेलो नाम के फोल्डर बन गए, क्रिएट हो गए फ्रेंड। अब हम सीडी कमांड लेंगे, सीडी कमांड देखेंगे हम, हेलो वहाँ में जाएंगे, हेलो कमांड में, हेलो में जाएंगे, हेलो सीडी कमांड हेलो लिखी पीडब्ल्यूडी। अब हम इसमें पीडब्ल्यू लिख के हमने फाइल होम में हेलो में पहुंच गए, ये टोटल मैक्स है जो फाइल है होम, ये हेलो में फोल्डर पहुंच गए। अब हम इसे एलएस देखेंगे, अब इसमें वो फोल्डर नहीं है, वो हेलो में पहुंच गए फ्रेंड्स। फिर एमके के डी आई मेक डायरेक्टरी, फिर बाय नाम का एक फोल्डर बनाएंगे, एलएस लिखेंगे, बाय नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया फ्रेंड। फिर हम अपने लोकेशन चेक करेंगे, पीडब्ल्यूडी लोकेशन हेलो नाम के फोल्डर में है, होम हेलो में है फ्रेंड। अब इससे हम, अगर हमें इससे बाहर आना है तो हमें सी डी डॉट 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 एंटर करना है, फिर एलएस दिखना फ्रेंड। देखिए हम उस फोल्डर को वापस आ गए, एबीसी डेफ हेलो फ्रेंड्स आगे। फिर हम लोकेशन देखते हैं पीडब्ल्यूडी, वैसे हम होम पेज में पहुंच गए, होम डॉक्टर मैक्स डॉट कॉम फाइल होम में पहुंच गए। अब आपको इस फोल्डर को कॉपी करना है, कॉपी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, आपको सीपी लिखना है, सीपी हाइफन आर मतलब होता है कॉपी करने के लिए किसी, तो हम ए बी सी को फोल्डर को हम हेलो में कॉपी करेंगे, हेलो हमने कर दिया, एंटर किया, एलएस किया, ठीक है फ्रेंड, उस एलएस कर दिया। फिर हम सीडी कमांड लेंगे, सीडी हेलो को जाएंगे, फिर हम एलएस किएंगे, एलएस एबीसी हमारा फोल्डर कॉपी हो गया, एबीसी ये हेलो में पहुंच गया। फिर हम सीडी कमांड लिख के डॉट 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 एंटर मारेंगे, हम बाहर आ जाएंगे, फिर एलएस करेंगे। देखिए हमारे ये तीनों होल्डर थे, बस वो करने लगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम जानेंगे फोल्डर को मूव करना, एक फोल्डर दूसरे फोल्डर में मूव करना, ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एमबी मूव शॉर्ट फॉर्म है इसके, एमबी काली लिनक्स में ये ऐसी वर्क करती है, कुछ फीचर्स हैं इसमें, आप देखते रहिए आपको समझ में आ जाएगा। एमबी मूव फिर हाइफन आर और हम एबीसी को डेफ को हम हेलो में मूव करेंगे, हेलो ये इनवैलिड, ये नहीं लग, ये यूज नहीं होता है, सॉरी। फिर से हम ट्राई करते हैं, एमबी मूव करना है, फिर हम डेफ लिखेंगे, डेफ सीधे डायरेक्ट डेफ हेलो
हेलो फ्रेंड्स, हो गया, फिर एंटर, एलएस लिखेंगे। देखिए डेव को हमने हेलो में मूव कर दिया फ्रेंड्स। अब फिर हम इसमें लिखेंगे सीडी डॉट डॉट डॉट, एंटर मारेंगे, बाहर आ गया हम उससे। फिर एलएस से देखेंगे कि फोल्डर कौन कौन से, देखो होम और यूज़र, एलएस हम क्या, यूजर पहुंच गया, यूजर पहुंच गया। फिर हम एलएस सॉरी पीडब्ल्यूडी लिखेंगे, हम में जाएंगे, फिर लिखेंगे एलएस हम यूजर, हम यूजर नाम को फोल्डर आ गया, सॉरी हम लिखेंगे सीडी दस एलएस एबीसी हेलो नाम को फोल्डर आ गया, इसमें बाहर आ गया हम, ठीक है। एबीसी हेलो नाम का वो गलत कमांड लगा दी थी हमने, डेडस लगता, ठीक है। अब हम इस फोल्डर को हम रिमूव करने सीखेंगे, कैसे हम फोल्डर को रिमूव करते हैं फ्रेंड्स। देखिए बने रहिए इस एपिसोड में। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और कमेंट द्वारा हमें बताएं, कोई आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट के द्वारा हमें पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। अब आपको लिखना है, रिमूव करना है फोल्डर को, तो rm -r का मतलब है आपको रिमूव करना है। abc फोल्डर को हम रिमूव करना है, ठीक है। तो हम इसे एंटर करते हैं और फिर देखते हैं फोल्डर रिमूव हुआ है कि नहीं। ls लिखेंगे हेलो, देखो abc फोल्डर रिमूव हो गया फ्रेंड्स। और फिर अब हमें इसे डिलीट करना है, डिलीट करना है तो हम डिलीट करेंगे वो तो रिमूव हटाती है, रिमूव का मतलब हटाना, तो रिमूव करना है, हटाती हैं इसे हेलो हाइफन आर, फिर हेलो एलएस, कोई फोल्डर नहीं, रिमूव हो गए सारे। अब पीडब्ल्यूडी हम लोकेशन देखते हैं, जैसे हम टम्बल डॉट फाइल फॉर्म पे गए थे वैसे हम इस वापस आ गए फॉर्म पे, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको इस एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। बने रहिए, अगर और हम इसी फिर से सेक्शन सेशन लेके आएंगे, आपको अच्छा फील होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट, हमारा उत्साह बढ़ता है लाइक कमेंट से। थैंक यू।